नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सभ्यसाची बैनर्जी और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब आप अपना लाइट CO2 आपका अगर चाहे तो फिर वेब मेकर फिल्टर ये सारे सिस्टम को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। काफी सारे टाइम पे मेरे पास सवाल आते हैं कि हम लोग रहेंगे नहीं घर पे, तो उस टाइम पे कैसे मैं अपना प्लांटेड टैंक को मेंटेन करूं। तो कुछ हद तक ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए है, आप लोगों का सवालों का ये जरूर जवाब देगा। और अगर आप चाहते हैं फीडिंग वगैरह के बारे में जानने के लिए तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो में फिलहाल हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप अपना लाइट CO2 वेब मेकर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ऑटोमेशन नहीं होगा, ये छोटा एक सर्किटरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये जो टाइमर कहा जाता है इसको टाइमर भी कहते हैं, टाइमर स्विच भी कहते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आपका वॉल सॉकेट में प्लग इन होता है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितना इसमें मॉडल नंबर क्या है, कितना टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 24 आवर्स टाइमर। यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह का स्पेसिफिकेशन आपको इस एरिया में मिल जाएगा। ये काफी सारे टाइप का होता है लेकिन मैं फिलहाल इसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है यूज करने के लिए। बस अपना वॉल सॉकेट में इसको प्लग इन करना है और बस ये चालू हो जाएगा। ये सेटअप करने का जो प्रोसीजियर है, चलिए ये प्रोसीजियर थोड़ा जान लेते हैं। तो जब ये डिवाइस आपके पास आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ डेट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। जाहिर सी बात है ये डेट जो आएगा ये डेट सही डेट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लॉक सेट करना है। क्लॉक सेट करने के लिए आपको जो करना है, आप अगर देखिएगा यहां पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बटन है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पे एक छोटा सा बटन है और बाकी सारे जो बटन है यहां पे आर लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है, आपका डे सेट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से डिफरेंट जो स्विचेस है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखिए ये बटन को आपको प्रेस करना है। ये छोटा सा बटन आप पेन या ऐसा कुछ भी नोकीला चीज ले लीजिए और लेके आप अगर इसको प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए तो फिर जो पूरा डिस्प्ले है डिस्प्ले पूरा ऑफ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ होके अभी नया आया, तो ये पूरा रीसेट हो चुका है। अभी इस पे हम लोगों को डेट सेट, पहले क्लॉक को सेट करना पड़ेगा, कौन सा डेट आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम सेट करना पड़ेगा, फिर ये टाइमर काम करना चालू करेगा जब आप इस पे टाइम सेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से क्लॉक को सेट करते हैं। क्लॉक को सेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, यहां पे एक क्लॉक बोल के बटन है, फोकस नहीं हो रहा है उतनी अच्छी तरह से। अगर आप देखेंगे यहां पे एक क्लॉक करके बटन है ये मिडिल वाला, और यहां पे एक प्रोग्राम करके बटन है, यहां पे मिनट का है, सॉरी यहां पे वीक का है, ये आर का है और ये मिनट का है। तो हम लोगों को पहले ये क्लॉक वाला बटन प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के बाद आपको वीक वाला बटन प्रेस करना है। वीक वाला बटन जैसे आप प्रेस करेंगे वैसे यहां पे एक के बाद एक चेंज होता रहेगा। अभी देखिए फिलहाल ये दिखा रहा है यहां पे मंडे, जो कि गलत है, नहीं एक्चुअली सही है। तो 12 बज चुका है अभी, तो ये मैं क्लॉक बटन को प्रेस किया और अभी इसको मैं वीक वाला बटन को प्रेस करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये चेंज होगा, एक के बाद एक डेट्स चेंज होगा। तो इस तरह से आपको राइट डेट सिलेक्ट करना है। तो आज ऑलरेडी मंडे है तो मैं मंडे पे रख देता हूं इसको। इसके बाद क्लॉक बटन को प्रेस करके रखिए और फिर आप आर वाला बटन प्रेस कीजिए, तो यहां से आप अपना जो भी है टाइम और टाइम आप यहां से सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 24 आवर्स में चलता है, तो 12 बजे के बाद 1-2 नहीं होगा, 12 बजे के बाद 13-14 करके 24 तक जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये बढ़ रहा है और अभी सेट हो गया 0-0, मतलब हो गया 12 बजे, रात के 12 बज रहे हैं। तो अभी मैं अपना टाइम देख लेता हूं क्या हो रहा है। फिलहाल यहां पे टाइम हो रहा है 12:58। तो मैं या तो फिर इसको डायरेक्टली 2 बजे सेट कर सकता हूं, सॉरी 1 बजे सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर
मैं चाहूं तो 58 या 59 अगर चाहूं तो वो भी मिनट प्रेस करके मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूं। जितना एक्यूरेसी आपको चाहिए आप उस तरह से इसको एक्योर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 1 बजे रख देता हूं, यह हो गया 1:05। तो अगर मैं इसे जीरो करना चाहूंगा, आप एक एक बार प्रेस कर सकते हैं तो एक एक नंबर चेंज होगा, या फिर प्रेस करके रखिए तो ऑटोमेटिकली ये नंबर चेंज होता रहेगा, ये फास्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये नंबर जो है नंबर चेंज हो रहा है। जब ये पूरा 1 बजे आ जाएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ओके 50 हो गया है। ओके तो सॉरी वहां पे रुक नहीं पाया मैं। ओके तो अभी आप देख सकते हैं कि 1:01 यहां पे दिखा रहा है मंडे का। ओके तो ये हमारा क्लॉक जो है क्लॉक सेट हो गया। उसके बाद हम लोगों को जो करना है प्रोग्रामिंग पे जाना है। ये प्रोग्राम वाला बटन आपको प्रेस करना है टाइम सेट करने के लिए। तो प्रोग्राम वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे आपको 1 से 16 तक प्रोग्राम यहाँ पे मिलेगा। 16 प्रोग्राम आप सेट कर सकते हैं। हालांकि 16 प्रोग्राम मुझे नहीं लगता है कि कोई यूज करता होगा, हम लोग बस 1 या 2 ही यूज करेंगे, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं 4 घंटा लाइट 2 घंटा ऑफ 4 घंटा लाइट। ये ये जो स्केड्यूल है ये स्केड्यूल बाकी में मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें एल्गी ग्रोथ भी कम होता है और प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं यही रिजाइन आप लोगों के लिए भी रिकमेंड करूंगा। आप अगर चाहे तो डायरेक्टली आप 6 से 8 घंटा जो भी आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं, या फिर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जैसे मैं बोला। तो 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 ON 1 OFF 2 ON 2 OFF ये दोनों को हम लोगों को मतलब 4 वैल्यू को हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं 1 करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो अभी आपको प्रोग्राम बटन प्रेस करना है और देखिए आप यहां पे 1 ON लिख के आ गया है। ये नीचे यहां पे ऑटो लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिक ही रहता है। अगर आपको चाहिए कि हमेशा लाइट ऑन रहे तो यहां पे जो ऑन ऑटो ऑफ वाला बटन है लाइट के जस्ट बाजू में, इसको आप प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये ऑफ हो गया, फिर अभी ऑटो आ गया, ये ऑन हो गया। तो अगर ऑन पे रखेंगे तो हमेशा ऑन रहेगा, ऑफ पे रखेंगे तो हमेशा ऑफ रहेगा, ऑटो पे रखेंगे तो जो टाइम आप यहां पे सेट करेंगे उस टाइम पे ये ऑन होगा, जो टाइम आप यहां पे ऑफ के लिए सेट करेंगे उस टाइम पे ये लाइट ऑफ हो जाएगा, लाइट CO2 जो भी आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और एक दूसरा ये डिवाइस का फीचर ये है कि आप इसके साथ एक स्पाइक बस्टर या फिर एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह लगा सकते हैं जिसमें मल्टीपल प्लग्स होते हैं कुछ इस तरह का। तो ये कनेक्ट करके आप आराम से मल्टीपल डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम लोड ये लेता है 1000 वाट तक। तो जैसे कि आपका लाइट का अगर मान लीजिए 50 वाट 60 वाट जो भी है, तो उस तरह से आप अगर डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं जब तक आपका टोटल लोड 1000 वाट से ज्यादा नहीं होता है ये सपोर्ट करेगा। तो अभी चलिए मैं इसको ऑन और ऑफ को सेट कर लेता हूं। मैं एक ही दिखाऊंगा आप लोगों को, यहां पे दूसरा भी आप सिमिलर प्रोसेस फॉलो करके कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे, जब ये 1 ON पे रहेगा तो हम लोग यहां पे वीक वाला बटन प्रेस करेंगे। पहले जैसे आप देख सकते हैं वीक प्रेस करते ही सारे जो डेट है सारे डेज सिलेक्ट हो गए, मंडे से लेके एकदम संडे तक पूरा सिलेक्टेड है। तो मतलब कि ये जो आप सेट करेंगे ये रिपीटेडली एवरी डे होता रहेगा वीक तक, पूरा वीक तक, और फिर उसके बाद साइकिल होगा। अगर आपको दूसरा कुछ चाहिए तो आप दोबारा वीक बटन प्रेस कर सकते हैं, और प्रेस करने के बाद 1 दिन के लिए आएगा। देखिए मंडे के लिए फिलहाल सिलेक्टेड है, उसके बाद चाहे तो आप डिफरेंट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो 3 दिन सेट कर सकते हैं, मंडे वेंसडे और यहां पे फ्राइडे। और सिमिलरली अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट 3 डे आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा सैटरडे संडे। तो इस तरह से आपको जिस तरह से भी आपको चाहिए उस तरह से आप अपना हिसाब से इसको सेट कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए हर रोज चाहिए ये लाइट का जो भी स्केड्यूल है, मैं हर रोज रखूंगा तो मैं पूरा वीक सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से टाइम पे आप चाहते हैं कि आपका लाइट ऑन हो। तो मैं चाहता हूं यूजुअली मेरा लाइट ऑन हो 11 बजे के बाद सुबह का, आपका जो भी अच्छा लगे आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर सेट कर दूंगा सुबह का 11, ये हो गया 11 बजे लाइट ऑन होगा। अभी लाइट ऑफ कब होगा तो दोबारा आपको ये प्रोग्राम बटन प्रेस करना पड़ेगा। अभी देखिए लिखा आ रहा है 1 ON, तो 1 ON कब होगा 4 घंटा बाद या फिर 6 घंटा बाद, जैसे भी आपको मर्जी हो। तो यहां पे पहले आपको वीक वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा डेट सिलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली मैं सारे दिन यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा 7 दिन, और उसके बाद मैं मिनट बटन प्रेस करके 4 घंटा वहां पे लगा दूंगा। तो यहां पे
ये आ गया 11, 12, 1, 2, 3, 4. तो 11 बजे लाइट ऑन होगा, 4 बजे लाइट ऑफ होगा. अभी ये हो गया यहां पे, और जैसे ही आप ये वाला बटन को प्रेस करेंगे, सॉरी ये ऑन ऑफ वाला बटन, तो इसको प्रेस करके आप ऑन ऑटो ऑफ ये तीनों में चेंज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए मेंटेनेंस कर रहे हैं और जो रेगुलर आपका रिजाइम है, रेगुलरली जिस टाइम पे ऑन करते हैं आप अपना लाइट CO2 वगैरह, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ना हो के, मतलब आप अपने से मैनुअल प्रोसेस से करना चाहते हैं एक दिन के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो आप ये बटन प्रेस करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं उसके हिसाब से. तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप ये इस डिवाइस को यूज करके अपना पूरा जो सेटअप है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं. जो मैं फीडिंग मशीन के बारे में बात कर रहा था, उसके लिए ऑटोमेटिक फीडर आता है. आपको अगर चाहिए तो ये सारे चीजों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको खरीद सकते हैं के लिए, या फिर बाहर कहीं पे जा रहे हैं तो उस मामलों में वो बहुत अच्छा काम करता है. इसके बाद अगर फर्टिलाइजर डोजिंग करना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर डोजिंग के लिए डिस्पेंसर आता है, डिस्पेंसर लेके उसमें भी आप टाइम सेट कर सकते हैं. सिमिलरली जैसे यहां पे एक क्लॉक है, वहां पे भी एक क्लॉक रहता है, क्लॉक को सेट करके आप उसमें भी एक टाइम सेट कर सकते हैं जिस टाइम पे फर्टिलाइजर ऑटोमेटिकली डोज हो जाएगा. तो इस तरह से आप अपना पूरा एक्वेरियम सेटअप को ये छोटा सा डिवाइस यूज करके ऑटोमेटिक कर सकते हैं. क्योंकि ऑटोमेटिक अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि प्लांटेड टैंक में अगर आप एक दिन में भूल जाते हैं, मान लीजिए 4 घंटे के जगह पे किसी दिन 6 घंटा लाइट जल गया या 4.5 घंटा लाइट जल गया, तो इस तरह से अगर लाइट सेम टाइम पे नहीं जलेंगे, सेम टाइम पीरियड के लिए नहीं जलेंगे, तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है. एल्गी का प्रॉब्लम होगा या फिर फिश हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको एल्गी का प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसीलिए ये डिवाइस छोटा सा डिवाइस है बट बहुत हेल्पफुल है. तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, और वीडियोस अगर अच्छा लग रहे हैं तो जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और नीचे कमेंट करना मत भूलिए. और उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं एक कंटेस्ट लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए. काफी सारे सब्सक्राइबर का ये रिक्वेस्ट था कि मैं एक कंटेस्ट करूं, उन लोगों का टैंक आप लोगों को दिखाऊं. तो मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों को, स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप लोग अपना वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए. अपना जो भी टैंक है, टैंक का 1 मिनट 1.5 मिनट का या फिर 2 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, पूरा टैंक का लाइट जला के लीजिएगा, और उस वीडियो को मेरे पास ये व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए. तो मैं कोशिश करूंगा 2-3 सब्सक्राइबर्स का, बेस्ट जो रहेगा, टॉप 10 कह सकते हैं या फिर टॉप 5 जितना भी देर तक आएगा, तो नेचुरली मैं ट्राई करूंगा टॉप 5 का. तो जो भी टॉप 5 आएंगे मेरे नजर से, मैं उन लोगों का वीडियो अपना यूट्यूब चैनल में पब्लिश करूंगा. और अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हैं तो ये भी नीचे लिख दीजिए कि ये जो वीडियो आप भेज रहे हैं, ये वीडियो अगर मैं अपना चैनल पर पब्लिश करूं तो आप लोगों को कोई भी किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा आ गया और बोला कि ये विदाउट मेरा परमिशन इसको प्रमोट किया गया था, तो मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूं. तो जब आप व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज अपना कंसेंट भेजिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके बाद मैं आप लोगों का वीडियो थोड़ा बहुत शायद इधर उधर एडिट करना पड़ेगा, अगर एडिट करना पड़ेगा वो करके मैं वीडियो पब्लिश करूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो देखने के लिए और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया.